ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँ लोग को बहुत के आप लोग को बहुत ही इन्वेस्टर्स को पास बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये है कि रिलायंस नेट डेट फ्री हुआ है, इसमें इन्वेस्ट करना जानना बोसखाओ ये 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 जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैंने बहुत सारा चीज़ आप लोग को इधर से मिल जाएगा। चार्ट का सेटअप, स्ट्रैटेजीज, बहुत सारा चीज़ आप लोग को और जो एडुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस जो है तो वो आप लोग को मिल जाएगा। मेरे YouTube वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, उधर इम्पोर्टेंट वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। कुछ दिन पहले ही मैंने रुचि सा का लिए लेके एक वीडियो बनाया है और उसके बाद मैंने कोरोना वायरस के और उसका इम्पैक्ट ऑन शेयर मार्केट, उसका भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शेयर मार्केट में बियरिस आ जाएगा, क्या क्रैश हो जाएगा, क्या होगा, तो वो भी बहुत ही आप लोग को इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आप लोग को देखिए कि वेदर रिलायंस इज वेदर रिलायंस इज नेट डेट फ्री एट ऑल। तो दैट इज द टॉपिक विच आई वांट गोइंग टू डिस्कस। तो देखिए मैंने पहले उसके बाद मैंने इसका आप लोग को फैक्शन कुछ फैक्शन फिगर्स दिखाऊंगा, उसके बाद मैंने फिनेंशियल एनालिसिस दिखाऊंगा और टेक्निकल एनालिसिस भी दिखाऊंगा और कौन सा लेवल पे बाई करना सही रहेगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि इन्वेस्टर्स देखिए आप लोग कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए आप लोग का फिनेंशियल कंसल्टेंट का परामर्श सलाह जरूर ले लेंगे, लेकिन मेरा जो मकसद है कि इसका बनाने का कि आप लोग को सही इन्फॉर्मेशन देना कि आप लोग को जो आप लोग को पास इन्फॉर्मेशन सही रहेगा, एडुकेशन सही रहेगा तो आप लोग का इन्वेस्टमेंट भी वाइज रहेगा, आप लोग प्रूडेंटली आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है और आप लोग का कैपिटल सेफ रख सकता है। तो कोई आप लोग को किसी को बड़ा नुकसान ना उठे तो यही मेरा मकसद है। तो देखिए मैंने इसको कुछ आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगा, मैंने इसका आप लोग को मेरा YouTube डिस्क्रिप्शन का वीडियो में Google ड्राइव में भी लिंक दे दूँगा, ये आप लोग को मिल जाएगा, तभी आप लोग को ये दिखाऊंगा। पहले मैं ये सब पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद मैंने फिनेंशियल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो रिलायंस और फिनेंशियल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस भी दिखाऊंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का इधर से टेक्निकल एनालिसिस भी दिखाऊंगा। तो ठीक है, पहले मैंने इसको पढ़ के दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज कोविड पैंडेमिक के बीच में हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन 19 जून को रिलायंस ने एक अनाउंसमेंट किया जाए, सिर्फ उसका शेयर ही नहीं मगर पूरा काफ़ी ऊपर आ गया। ये अनाउंसमेंट था नेट डेट फ्री होने का। रिलायंस ने मार्च 2020 में 1.61 आप लोग को ये जानना जरूरी है कि देखिए रिलायंस निफ्टी इंडेक्स का निफ्टी 50 इंडेक्स का रिलायंस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रिलायंस का है। तो रिलायंस का जब मार्केट का जो प्राइस करेगा या रिलायंस का प्राइस उठेगा या पड़ेगा तो रिलायंस में गिरावट या उछल सबसे ज़्यादा होगा। तो इसीलिए आप लोग को वाइजली डिसीजन लेना है और सही मौके पे बाई करना है। रिलायंस में बाई करना मैंने सभी समय मैंने बोलूँ, मतलब मेरा व्यू ये है कि रिलायंस सभी समय बाई करना ठीक है, लेकिन रिलायंस इज ऑलवेज गुड बट सही मौकों पे इसको बाई करना है। तो इसीलिए मैंने कुछ फैक्शन फिगर्स, कुछ इन्फॉर्मेशन एंड एडुकेशनल पर्पस आप लोग को सामने रखना चाहता हूँ। ये अनाउंसमेंट था कि डेट फ्री होने का। रिलायंस ने मार्च 2020 में 1.6 ट्रिलियन का नेट डेट रिपोर्ट किया था। आज जून 19 मतलब 3 महीने से भी कम टाइम में रिलायंस ने पूरा डेट के बराबर पैसा रेस किया है मार्केट में स्टेक सेल और राइट्स इशू के जरिए। ये एक इंडियन कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा बात है। इसी के साथ आज रिलायंस
$150 बिलियन कंपनी बन गए। रिलायंस के इस अचीवमेंट से मार्केट काफ़ी पॉजिटिव किया एक्शन किया। सेंसेक्स 524 ऊपर जाके बंद हुआ। रिलायंस के शेयर 6.48% ऊपर जाके 1763.30 पर शेयर पे जाके बंद हुआ। रिलायंस के साथ फिनेंशियल कंपनीज ने भी आज अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। निफ्टी ने भी 10,250 का मार्क टच किया। टॉप गेनर्स में से सेकंड एंड थर्ड पॉइंट में पे बजाज फिनेंस, पावर ग्रिड आज का वॉल्यूम टॉपर्स था। बजाज फिनेंस, रिलायंस, SBI, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक। रिलायंस के डेट फ्री होने का पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो देखिए एंजल वर्किंग क्या बोल रहा है। एंजल वर्किंग एक्चुअली आप लोग को मेरा लिंक मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। एंगल ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करने के लिए आप लोग को बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंजल ब्रोकिंग, स्टॉक्स, रास्ता ट्रेड, एलिस ब्रो, ये सब में आप लोग को ऑनलाइन डीमैट अकाउंट बहुत ही फ्री अमाउंट बहुत ही आसानी से आप लोग ओपन कर सकता है। ठीक है, तो देखिए उससे पहले दोस्तों घर बैठे बैठे अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रहता है तो बिल्कुल सही सोच रहा है। जो फेसबुक डील ने काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट किया है मार्केट में, इसीलिए आपको सबसे पहले का एक डिमांड खोलना पड़ेगा। और आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एंजल बुकिंग के लिंक कर सकते हैं। एंजल बुकिंग देश का नंबर 1 फुल टाइम ब्रोकर है, जहाँ आप फ्री में चंद घंटों में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने का ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देर मत कीजिए और आज ही एंजल बुकिंग से साथ अपना अकाउंट खोल लीजिए दिए गए लिंक से। ठीक है, तो रिलायंस सारे डील्स एक नज़र में। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि रिलायंस ने कौन से डील्स के जरिए अपना डेट फ्री होने का टारगेट को पूरा किया। फेसबुक अप्रैल 22, रिलायंस 22, रिलायंस इंडस्ट्री सेट फेसबुक विल स्टेक 99.99% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर ₹43,573.62 करोड़। सिल्वर लेक पैटर्न्स में सिल्वर लेक विल इन्वेस्ट 5,665.75 करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर 1.15% शेयर स्टेक। विस्ता इक्विटी पार्टनर्स में 18 विस्ता विल ऑन 2.32% ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री डिजिटल सर्विस आर्म ऑफ फॉर 11,367 करोड़। ठीक है, जनरल अटलांटिक में 34% स्टेक विल गो टू जनरल अटलांटिक 6,98.38 करोड़। रिलायंस इंडस्ट्रीज सेट KKR विल टेक 2.32% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म ₹11,360 करोड़। मुबाडला विल परचेस 1.85% इंटरेस्ट इन जियो प्लेटफॉर्म ₹9,093 करोड़। सिल्वर लेक पार्टनर्स एंड को इन्वेस्टर्स एडिशनल इन्वेस्टर लेटर दैट डे रिलायंस इंडस्ट्रीज सेट सिल्वर लेक एंड इट्स को इन्वेस्टर विल बाई एडिशनल 0.93% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर ₹4,5486 करोड़। विद दिस द टोटल इन्वेस्टमेंट बाई सिल्वर लेक एंड इट्स पार्टनर्स स्टैंड्स एट 2.08%। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इन्वेस्टमेंट 1.16 करोड़ जियो प्लेटफॉर्म। TPG 0.32 करोड़ TPG फॉर 4,5468 करोड़। कैटलॉन विल परचेज 0.39% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर ₹1,895 करोड़। इन डील्स का टोटल वैल्यूएशन है $15.2 बिलियन। द रेस्ट ऑफ $7 बिलियन जो डेट फ्री होने के लिए जरूरत है थी वो रिलायंस राइट इशू के जरिए रेस किया जाएगा, जो 1.6 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया गया है। इसको छोड़कर कुछ और टेक्निकल इश्यूज है जो इन्वेस्टर्स के लिए जानना इम्पोर्टेंट है, जैसे राइट इशू से रेज किया गया पैसे इस साल रिलायंस के पास नहीं आएगा,
इसको आने में फिनेंशियल 2021 तक लगेगा, जिसका मतलब है कि रिलायंस टेक्निकली अभी पूरा डेट फ्री नहीं हुआ है, लेकिन डेट फ्री होने के रास्ते पे है। कह सकता है कि रिलायंस वर्चुअली डेट फ्री हुआ है, हालांकि ऐसा कोई टर्म अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी में नहीं है। तो डेव डिटेल्स इसके सिवा एक और पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिलायंस के नेट डेट फ्री को लेकर काफ़ी सारे रेटिंग्स कंपनीज का अलग अलग आंकड़ा आया है। तो देखिए, इसमें स्टैंड अलोन क्रेडिटर्स फॉर कैपेक्स, जियो क्रेडिटर्स, ये फिगर्स आप लोग देख सकते हैं। जियो स्पेक्ट्रम लाइबिलिटीज, अदर सब्सिडरीज डेब्ट, जियो नेट डेट, स्टैंड अलोन नेट डेट, ठीक है। तो दुनिया का टॉप एनालिसिस फर्म जैसे नमूना बर्नस्टर्न, कोटक सिक्योरिटीज, गोल्डमैन सैक्स रिसर्च में रिलायंस का नेट डेट वैल्यू 0.2 ट्रिलियन के बीच में रखता है। ये नंबर रिलायंस को ऑफिशियल नंबर $1.6 ट्रिलियन से काफ़ी ज़्यादा है। इनके खाते का मुताबिक ज़्यादा डेट का रीजन है डिफर्ट स्पेक्ट्रम लाइबिलिटीज, कैपेक्स क्रेडिटर्स, डेट ट्रांसफर टू द फाइबर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। तो ये थ्री फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है हायर डेप्ट का। लेकिन क्या इसका मतलब है, ऐसा निकाला जा सकता है कि रिलायंस ने एक्जैक्टली सच नहीं कहा है? क्या इन्वेस्टर्स को ऑडिट होने चाहिए? मेरा हिसाब से ये कहा जा सकता है, और इस फार्मूला के अलग होने से रिलायंस के फंड रेजिंग का कारनामा का भी होता है का दजरा पना एक बहुत बड़ी बात है। ऊपर से सऊदी अरामको के साथ $15 बिलियन का अरामको डील कंप्लीट हो गया, तो वो रिलायंस के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। अगर रिलायंस अपने फाइबर नेटवर्क के लिए कुछ स्पॉन्सर ढूंढ पाते हैं तो भी एक तरीके से बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और फिर रिलायंस एनालिस्ट फर्म्स के हिसाब से भी डेट फ्री हो जाएगी। एक और मैटर है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, रिलायंस का स्ट्रेटेजी रहा है हाई डेप्ट हाई कैश टू, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये फंड रेजिंग के बाद रिलायंस पूरा डेट फ्री नहीं हो पाए करेगी? हो सकता है कि रिलायंस कैश रजिस्टर को बढ़ती रखे और डेप्ट को भी थोड़ा कम रखे, लेकिन इसे क्या उनके शेयर्स पे और मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? क्या सेफ खेलेगी रिलायंस, क्योंकि COVID-19 के वजह से अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है? क्या रिलायंस इस अनसर्टेनिटी के मर्ज से बचने के लिए तैयारी करने में लगा है? ये सारी न्यूज़ आपको हम देते रहेंगे, तब तक हमने चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर मार्केट के साथ जुड़े रहें। तो इसमें आप लोग को देखिए, इसमें रिलायंस का भी ये तो जानना जरूरी है, और मार्केट का भी मूवमेंट कैप्चर करने के लिए भी आप लोग को ये सब इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। तो देखते हैं पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो फिनेंशियल मतलब एनालिसिस मैंने देखता हूँ। तो देखिए, हमारा इतना करेंट प्राइस है 1759, ठीक है, और इसका बुक वैल्यू है 670, ठीक है। ये बहुत ही हाई है, ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स के ऊपर भी थी, ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स के आसपास है। तो ये ठीक नहीं है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो थोड़ा सा कम होने से ही एटलीस्ट 1 to 2 times 3 times रहने से ठीक रहता है। पी रेशियो भी, स्टॉक का पी रेशियो भी हाई है, डिविडेंड यील्ड इतना अच्छा नहीं है, सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, सेल्स ग्रोथ ठीक है, और
इसका जो पेग रेशियो है ये भी 1 के नीचे होने से अच्छा रहता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एटलीस्ट 20% के ऊपर होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका ठीक रहता है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जो फिक्स्ड मतलब जो जीधा जीधा से उधर लिया है तो इसका इंटरेस्ट दे पा रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका ठीक रखता है, लेकिन करेंट रेशियो और क्विक रेशियो डेप टू इक्विटी रेशियो देखिए बहुत ही कम है। डेप टू इक्विटी रेशियो इसका भी डेप टू इक्विटी रेशियो एक्चुअली जो और भी नीचे मतलब इक्विटी का जो डेट इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन करेंट रेशियो और क्विक रेशियो इसका एटलीस्ट एक के ऊपर होना चाहिए। एटलीस्ट 1.5:1 और 2:1 होने से अच्छा रहता है। तो कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन ठीक रहता है, लिक्विडिटी पोजीशन ठीक रहता है तो इसका वर्किंग कैपिटल जो पेमेंट मतलब डेटर्स का जो पेमेंट वगैरह ये सब वर्किंग कैपिटल जो है वो ठीक रहता है, नहीं तो इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, इसका प्रोसन को स्टॉक्स ट्रेडिंग है 2.62 times इट्स बुक वैल्यू। कंपनी आज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 12.21% फॉर लास्ट 3 years। डिविडेंड पे आउट हैज बीन लो 10.61% ओवर लास्ट 3 years। मैंने जो सब लोग को फैक्शन फिगर सामने दिखा रहा हूँ तो इधर देखिए इसका जो मतलब कंप्यूटर पियर्स कंपैरिजन है तो इसमें से इसका सेल्स तो सबसे ज़्यादा है और नेट प्रॉफिट भी इसका इधर ज़्यादा है। इसकी ROC लेकिन देखिए इसका मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो इधर थोड़ा सा कॉम्पिटिटर से इधर ये थोड़ा सा कम दिखा रहा है। और इधर मतलब एक बार क्वार्टरली रिजल्ट को एक बार देख लेते हैं तो इधर मार्च 2020 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था इतना और इंटरेस्ट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इतना, ठीक है, और नेट प्रॉफिट हुआ है इतना करोड़, ठीक है। तो इतना बड़ा कंपनी है, इतना प्रॉफिट आता है इसका और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना दिखा रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना और नेट प्रॉफिट इतना, ठीक है। तो इधर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 years में इसका सेल्स ग्रोथ इतना है और TTM जो है इसका 4.7% है, तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है और ठीक ही रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक रहता है, ठीक है। स्टॉक का प्राइस एट CAGR इतना रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा कम ही दिखा रहा है। अच्छा, बैलेंस शीट में देखिए इसका जो रिजर्व है ये अच्छा है, मतलब रिजर्व्स मतलब जो प्रॉफिट के ऊपर इसका जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस से जो बचता है, जो प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद डेट इक्विटी देने के बाद जो रिजर्व रहता है वो अच्छा ही रहता है, ठीक लगता है। और इसका बोरोइंग्स इसका इतना है और अदर लाइबिलिटीज़ भी इतना है, टोटल लाइबिलिटीज इसका इतना, ठीक है। और फिक्स एसेट CWIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस इतना है और इन्वेस्टमेंट ये इतना सा इन्वेस्टमेंट किया है और अदर एसेट्स इतना है तो इसका भी ठीक रहता है। और इधर जो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इतना, टोटल नेट कैश फ्लो इतना, ठीक है। और इधर देखिए ROC का परसेंटेज थोड़ा सा मेरे हिसाब से कम लगता है और डेटर्स डेज मतलब ये कितना दिन में डेटर्स को पे करता है, मतलब इसके पास जो पैसा इसका पैसा मिलेगा तो इतना दिन से ये डेटर्स टर्नओवर रहता है। इन्वेंटरी टर्नओवर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही दिखा रहा है, इन्वेंटरी टर्नओवर जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि जब इन्वेंटरी
मतलब स्टॉक्स जब फिनिश कुछ जब जितना जल्दी मतलब हो सकता है वो निकल जाए और प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल मतलब स्टोर नहीं हो पाता है, तो जो रॉ मटेरियल आता है प्रोडक्शन में हो जाता है और प्रोडक्ट भी बिक जाता है, फिर से रॉ मटेरियल आता है। मतलब ये साइकिल जो जितना जल्दी हो सकता है जितना मतलब ये टाइम जितना कम टाइम में होता है ये अच्छा रहता है। सिक्स टाइम इसका थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, और इधर FIIs में इसका इन्वेस्टमेंट इतना है, प्रमोटर्स होल्डिंग 50%, DIIs इतना होल्ड करके रखा है, गवर्नमेंट इतना होल्ड करके रखा है, पब्लिक इतना होल्ड करके रखा है। तो ये है फिनेंशियल रिजल्ट्स, और इसका मैंने थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी करके लेता हूँ। पहले तो आपको देखा था ट्रेंड का, डेली का चार्ट में ट्रेंड का इसका आप ही दिखा रहा है, ट्रेंड जो है इसका जो ये जो ट्रेंड सिग्नल रहता है ये आप दिखा रहा है, अभी तक आप दिखा रहा है, कोई मतलब इसका इधर से जो इधर गिरा था इधर से ये थोड़ा सा प्राइस नीचे आया था, 1403 तक इसका आ गया था, इधर से इसका सेल सिग्नल दिया था लेकिन डेली चार्ट में, लेकिन इधर से जो आप सिग्नल दिया था उसके बाद अभी तक कोई सेल सिग्नल नहीं है। और इसका जो डेली का चार्ट में जो इसका ये जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 1739, इसका मार्क कर्स किया है, ये 1788 में गया है, तो इसका क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग हुआ है 1759 में, थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया है, और इधर 1769 में इसका नेक्स्ट हाई मिलेगा 1799। ये मैंने डेली चार्ट का वजन दिखा रहा हूँ, 1826 और इधर 1876, तो और नीचे का जो है 1739 के नीचे इसका 1713, 1698, 1682, 1663, 1638, ठीक है, इसके बाद 1614 और 1581 ये सब, और इसका जो नेक्स्ट लेवल है ये 1500 का लेवल, 1498 का लेवल, 1490 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा वीकली चार्ट देख लेता है, इसका सही मौकों पे बाई करना ठीक रहेगा। इसका जो ऊपर का लेवल जो आप लोग को दिखा है उसका तो आप लोग देख सकता है, एक्चुअली इधर मैंने फिबोनाची लेवल, इसका अंदर मैंने जो स्ट्रेटजी है इसका अंदर मैंने फिबोनाची लेवल्स और बहुत सारा लेवल्स इस CPR रेशियोस में वगैरह, CPR वगैरह ये सब इंक्लूडेड है, तो इसीलिए इसका देख सकता है आप लोग, इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेना अच्छा रहेगा। इधर देखिए इसका जो इधर जो 1774 का रेजिस्टेंस है, तो इसका ऊपर जाके आप लोग इधर इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका बीच का जो रेजिस्टेंस है 1971, ये सब जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जाके इसका कर सकता है, नहीं तो थोड़ा सा नीचे आके मतलब 1600 का नीचे, इसके बाद इसका 1400 का नीचे जब मार्केट में क्रैश आएगा तो इसका असर सबसे ज़्यादा रिलायंस के ऊपर आएगा, क्योंकि रिलायंस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है मार्केट का, तो थोड़ा सा आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा कि नीचे आने का इंतजार करना सही रहेगा, सही मौके पे आप लोग बाई कर सकता है। और मंथली चार्ट में देखता हूँ, मंथली चार्ट में क्या दिखाता है, इधर 1764 1777 का एक लेवल है, उसके बाद 1856, इसके बाद इसका जो 1856, इसके बाद इसका जो लेवल है 1865 का लेवल, 1865 1882 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, और इधर इसके बाद 20058 या 60, इसके बाद 21064, इसके बाद
2260, इसके बाद 2288, तो आप लोग को ऐसा ना लगे कि आप लोग का मौका छूट जाता है, तो आप लोग को सही मौके पे बाई करना ही ठीक रहता है। तो इधर से कुछ सिग्नल देखिए, इधर से का जो सिग्नल अभी भी बाई का, इधर से जो ऊपर किया है इसका बाई का सिग्नल ही दिखा रहा है, इसका मतलब आप जाने का ट्रेंड ही अभी तक दिख रहा है, कोई सेल का सिग्नल इसका नहीं आया है। तो थोड़ा सा नीचे से इसको बाई करना ही ठीक रहेगा, पर्टिकुलरली 1600 का नीचे या 1400 का नीचे इसको बाई करना सही रहेगा। 1600, 1400, 1200 का लेवल बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। इसका जो सपोर्ट का जो है 1676 का लेवल पे, इसके बाद 1619, इसके बाद 1580, इसके बाद 1517, और इसके बाद इसका 1210, 1210, इसके बाद 10,008, इसके बाद 844, ठीक है। तो इसका जो आप लोग को मार्केट का इंतजार करना पड़ेगा सही मौके ढूंढने के लिए, तो क्योंकि जब भी सर को लगता है कि सभी लोगों को लगता है कि ये मार्केट में ऊपर में जाएगा, तो उसी समय मार्केट में क्रैश आ जाता है। तो इसी का मैंने जो कोविड वायरस का जो मैंने डिस्कस किया था वो भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें भी आप लोग को सुविधा होगा। कोविड जो इसका जो सभी ने अभी जो मार्केट में ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा उसके बाद इसका क्रैश आ जाता है, तो मार्केट में अब गिरना गिर जाएगा। तो स्टॉक को प्राइस का ऐसा आप लोग को नहीं, जो जो आप लोग को लगेगा कि मौका छूट जा रहा है कि मैंने इसका प्राइस में बाई नहीं कर रहा हूँ, तो जब सभी को ऐसा लगेगा सभी ने बाई करेगा, मार्केट ऊपर उसी का जगह से मार्केट गिरता है। जब सबको लगता है कि ये मौका मेरे से छूट जाता है तो उसी टाइम से मार्केट गिरता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आप लोग को मतलब जस्ट अलर्ट कर देना चाहता हूँ, तो आप लोग ऐसा ना लगे कि आप लोगों का मौका छूट जाएगा, बहुत बहुत ही मौका मिलेगा। रिलायंस में सभी लोग मतलब बहुत ही बाद में भी बहुत अच्छा मौके पे आप लोग बाई कर सकता है, तो आप लोग को सही मौके पे बाई करना ही ठीक रहेगा। ओके, धन्यवाद। आप लोग को शायद ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब करके रखिए, आप लोग को बहुत सारा चीज़ इधर से मिल जाएगा। धन्यवाद।